दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने फोटो को स्टोर करने के लिए, उन्हें परमानेंटली सेव करने के लिए गूगल फोटो का यूज करते हैं, तो आपको पता है कि आपका गूगल फोटो का जो अकाउंट होता है वो आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा कोई पुराना जीमेल होता है, उसको हम किसी कारण से यूज करना बंद कर देते हैं और हम कोई नया जीमेल बना लेते हैं, उस पर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो हमारे पुराने फोटोज वगैरह थे जो कि हमारे पुराने वाले जीमेल के गूगल फोटो पे थे, अगर उसे हम अपने नए वाले जीमेल के गूगल फोटो पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेनुअली क्या करते हैं कि वहां से पूरे फोटोज वगैरह को डाउनलोड करते हैं, फिर नए वाले जीमेल आईडी के गूगल फोटो को जो हमने क्रिएट किया है अकाउंट को उस पे हमें अपलोड करना होता है। लेकिन आज के वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि पुराने वाले गूगल फोटो के सभी फोटोज आप नए वाले जीमेल अकाउंट के गूगल फोटो पे आप आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे और इसके लिए आपको किसी भी फोटो को मेनुअली डाउनलोड या अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं गूगल फोटोज के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर सभी फोटोज को सिंगल क्लिक में किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको अपने गूगल फोटोज को ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गूगल फोटोज को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मेरे काफी सारे फोटोज वगैरह मैंने स्टोर करके अपलोड करके रखे हुए हैं और आपको पता है गूगल फोटो पे अगर आप किसी चीज को सेव कर देते हैं तो परमानेंटली आपके सिक्योर हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली जीमेल आईडी से जो मेरा गूगल फोटो बना हुआ है ये सारे के सारे फोटो मेरे किसी दूसरे अकाउंट के गूगल फोटो पे चले जाए जीमेल अकाउंट के। तो उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों कि ऊपर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है आपको इस पर टैप करना है। चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूं। अब इस पर टैप करने के बाद नीचे आपको जो फोटो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है बॉटम पे आपको इस पर टैप करना है। अब इस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बैकअप का, फिर नोटिफिकेशन का, प्रेफरेंस का, शेयरिंग का, एप्स एंड डिवाइस और प्राइवेसी। तो आपको यहाँ पे चले जाना है दोस्तों फोर्थ नंबर पे, शेयरिंग का ऑप्शन है, शेयरिंग पे जाएंगे। अब शेयरिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे। आपको करना क्या दोस्तों की सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको जो पार्टनर शेयरिंग का ऑप्शन है आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहां से अगर आप अपने ओल्ड टाइम वाले फोटो सेंड करना चाहते हैं कि ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने नए वाले अकाउंट पे गूगल फोटो के, तो आप यहां से ऑल टाइम पे रखिए। और अगर कोई स्पेसिफिक टाइम का आप यहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑल टाइम पे रखूंगा। इसके बाद यहां पे सेकंड ऑप्शन मिलता है अगर आप अपने पूरे ऑल फोटोज को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने दूसरे वाले गूगल फोटो अकाउंट पे, तो यहां से ऑल फोटो को सिलेक्ट रखिए। और अगर यहां से आप कुछ सिलेक्टेड फोटोज को यहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्टेड फोटो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल पे रखता हूं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको सिलेक्ट पार्टनर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप करेंगे। अब इस पे टैप करेंगे तो आपने हाल ही में जिन लोगों से भी चैट वगैरह की होगी या ईमेल वगैरह सेंड किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर आपको आपका अकाउंट देखने को मिलता है जिसपे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे टाइप एंड नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अपने उस जीमेल आईडी को यहाँ पे टाइप कर देना है जिसके गूगल फोटो अकाउंट पे अपने सभी फोटोज को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं अपना एक जीमेल अकाउंट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना जीमेल यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे बॉटम पे आएंगे तो इनवाइट योर पार्टनर में आपको अपना जीमेल आईडी दिखेगा जिसपे आप ये सभी फोटो ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बाद आपको नीचे कन्फर्म वाले बटन पे टैप करना है। अब जैसे आप कंफर्म वाले बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनविटेशन सेंट लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको अपने नए वाले जीमेल अकाउंट के गूगल फोटो को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। पर आप देख सकते हैं मैंने अपने सेकंड वाले फोटोज वाले अकाउंट को मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम में ओपन कर लिया। आप चाहे तो गूगल क्रोम के थ्रू भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए वहां से जो सेंड किया था वो मैंने आपको गूगल फोटो से करके दिखाया था एप्लीकेशन से। और यहाँ सेकंड वाले अकाउंट को मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फोटोज को। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जीमेल दिखा देता हूँ, जो जीमेल मैंने वहां पे एंटर किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी जीमेल का मैंने यहाँ पे गूगल फोटो ओपन किया, यहाँ पे जीमेल देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पे चलिए साइड में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयरिंग वाला, इस पे आपको टैप करना है। शेयरिंग पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनविटेशन वहां से हमने सेंड किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पार्टनर शेयरिंग इन्विटेशन हमें यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आपको व्यू इन्विटेशन पे टैप करना है और इसको यहाँ से इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का बटन मिलेगा, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पूरे गूगल फोटो उस अकाउंट में जो थे वो पूरे मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये शेयरिंग वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे होंगे। अभी आप जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं आपको बैक लेके दिखा देता हूँ। अब जैसे बैक लेंगे हम अपने होम पे आएंगे,
जैसे कि फोटोज पे आएंगे तो फोटोज में अभी आपको यहाँ पे कोई भी फोटोज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, चलिए उसका भी तरीका मैं बताता हूँ। फिर से शेयरिंग पे जाएंगे, फिर से शेयरिंग वाले एल्बम को ओपन करेंगे और यहाँ से अब आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न ऑन ऑटो सेव, ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, इस पे आपको टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली सेव फोटो फ्रॉम सिलेक्टेड पीपल, सेव ऑल फोटो, डोंट सेव वगैरह। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देता है सेव ऑल फोटो, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको डन कर देना है। बस दोस्तों इतना सा काम आपको कर लेना है। अब इसके बाद एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। अब रिफ्रेश होने के बाद चलिए फिर से बैक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे बैक लिया और एक बार अपने गूगल फोटो को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे उस अकाउंट के जितने भी फोटोज वगैरह थे वो मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने गूगल फोटो के एक अकाउंट से किसी दूसरे गूगल फोटो के अकाउंट पर अपने सभी फोटोज को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।